बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 20 लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें हमने द लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंट टेस्ट पढ़ना है। अब देखिए स्टूडेंट, द लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंट टेस्ट जो रिलेट करते हैं वो मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट से रिलेट कर रहा होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट, इसी से रिलेटेड जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंट टेस्ट बताएंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है कि फॉर दिस पर्पस सेवरल टेस्ट बेस्ड ऑन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैव बीन डेवलप्ड टू मेक कंपैरिजन बिटवीन पेयर्स ऑफ मीन। सच टेस्ट यूज द फॉलो अप द एफ डिस्ट्रीब्यूशन और कॉल द मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सेवरल टेस्ट जो बेस कर रहे होते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं बिटवीन द पेयर्स ऑफ मीन्स में। तो वो जो कंपैरिजन होता है ना इन एफ डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, वो हमारे पास कहते हैं मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट। अच्छा, इसी मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट का जो बेस्ट आपके पास मेथड है वो हम कह सकते हैं कि द लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंट टेस्ट है। अब द लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंट टेस्ट हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं कि when the null hypothesis of equal means is rejected by F test after ANOVA, we can test the significance of difference between means of K samples have the treatment by using the ordinary 2 sample t test on every pair of this। अच्छा, यहाँ वो क्या कहते हैं कि जो the least significance different test है ना, इसमें जब हमारे पास null hypothesis जो है वो क्या कहते हैं, जो आपके पास हमारे पास hypothesis कितने होते हैं, we have the 2 hypothesis होते हैं। एक आपके पास null hypothesis होता है जिससे आप H0 से शो कर रहे हो, और इसके अगेंस्ट आपके पास alternative hypothesis होता है जिससे आप H1 या HA से भी शो कर रहे हो। वो कहते हैं कि अगर आपके पास नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, एफ टेस्ट में आफ्टर ANOVA इक्वल मींस में, देन टेस्ट हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन मींस जो हम यूज़ करते हुए टी डिस्ट्रीब्यूशंस के तहत एक मेथड यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर सिग्निफिकेंस डिफरेंट टेस्ट, ताकि हमारे पास कंपैरिजन आ जाए उनके दरमियान जितना भी डिफरेंस आ रहा है मेथड वो। और ये मेथड हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, बाकी मेथड आपके पास सेम रहता है, बट जब नल हाइपोथेसिस आपके पास रिजेक्ट हो जाए, आपके पास इक्वल मींस हो, इक्वल ट्रीटमेंट्स हो, और उसके बाद उस हाइपोथेसिस के बाद आपके पास नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट हो जाता है, देन वी यूज़ द लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंट टेस्ट। अब ये हमारे पास क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डीलिंग विद सच सिचुएशन टू कंप्यूट द स्मॉलेस्ट डिफरेंस दैट वुड बी जज्ड सिग्निफिकेंट एंड टू कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ मींस विद इट। द स्मॉलेस्ट डिफरेंस इज कॉल्ड द लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंट। अब हमारे पास क्या है, ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंस, यहाँ जो मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस, हमारे पास नल हाइपोथेसिस में क्या होते हैं, इक्वल मींस गिवन होते हैं, अगर वो रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो हमने फिर ये टेस्ट यूज़ करना होता है जो कि इनके दरमियान जितना भी डिफरेंट होता है स्मॉलेस्ट डिफरेंस, उसको मालूम करके आपकी जो वैल्यूज़ उनको ट्रू करता है। अब लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंस हमारे पास जो मैथड होता है वो हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, एफ़ टेस्ट में हम टी यूज़ कर रहे होते हैं, टी α/2 एंड वी, ये तो हमारे पास आ जाता है α/2 डिग्री लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जो कि हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ कंपेयर करना है, एंड हमारे पास क्या आ जाता है 2 MSE एंड आर हमारे पास क्या होती हैं, रोज़ जो आपको गिवन होंगी, ठीक है, जो आपके डेटा में रोज़ गिवन होंगी वो, एंड MSE हमारे पास क्या है, मीन स्क्वायर एरर। MSE हमारे पास क्या है, मीन स्क्वायर एरर। ये स्टूडेंट आपके पास यूज़ करना होता है जब आपके पास जो H0 है वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। मैं अगेन इसका पढ़ के बताती हूँ कि हम कहते हैं कि हमारे पास डीलिंग विद सच ए सिचुएशन टू कंप्यूट द स्मॉलेस्ट डिफरेंस दैट वुड बी जस्ट सिग्निफिकेंस एंड टू कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंस ऑफ मींस विद इट। दिस स्मॉलेस्ट डिफरेंस इज कॉल्ड द लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंस। देखिए इसका अगर आप देखें ना, लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंट, इसका मतलब है जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस होता है ना, उसको जो टेस्ट मालूम करता है उसको हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंट। और वो आपके पास ये टेस्ट है जिसको आप यूज़ करोगे जब आपके पास नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ आया। अब हमारे पास क्या है, MSE आपको मैंने बता दी कि मीन स्क्वायर एरर है, R जो है वो साइज ऑफ द इक्वल सैम्पल्स है, और हमारे पास ये डिग्री ऑफ फ्रीडम और α/2 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि हमने मालूम करना है। द टेस्ट क्राइटेरिया दैट यूजेस द लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंस इज कॉल्ड द LSD टेस्ट। और हमारे पास अब जनरल मेथड हम पढ़ेंगे तो हमें समझ लगेगी हमने क्या करना है और इसको सिग्निफिकेंट कैसे हमने मालूम करने हैं। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट हम बताएंगे कि इसमें जनरल प्रोसीजर्स जो है इस मेथड का इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट इसके आपको समझ आई होगी। सिर्फ ये टेस्ट बताने का मकसद यहाँ है थ्योरेटिकली कि लीस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंट टेस्ट जो है वो वहाँ लगेगा जहाँ आपका नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और टेस्ट मैंने आपको बता दिया कि आपके पास क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जनरल प्रोसीजर इसका पढ़ेंगे और फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।